मेरे जीवन को सही दिशा देने वाले गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने धर्म की प्रभावना के बढ़ते हुए स्वरूप और सामाजिक अवनति की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है। मैं भी इसी संदर्भ में आपके सामने आपकी आज्ञा से प्रश्न रखना चाहता हूँ। परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद आज तक 90 वर्षों में जितने दिगंबर मुनिराज आज भारतवर्ष में विहार कर रहे हैं, धर्म प्रभावना कर रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं थे पिछले 200-400 वर्षों में। लेकिन महाराज श्री, हमारे बुजुर्गों ने जितनी शालीनता से, जितनी सहजता से, जितने समर्पण भाव से धर्म की क्रियाएं की हैं, मंदिरों का निर्माण किया है, धर्मशालाओं का निर्माण किया है, पाठशालाओं का निर्माण किया है, आज उससे कहीं बहुत अधिक संख्या में बृहत रूप में निर्माण तो हो रहे हैं, लेकिन उन निर्माणों के पीछे बहुत बड़ी राशि खर्च हो रही है, बहुत आडंबरपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े विधान हो रहे हैं। उन्हें देखकर, उनसे जुड़कर लगता तो है, उतने समय तो लगता है कि हम अपनी विशुद्धि को बढ़ा रहे हैं, लेकिन महाराज श्री, इन सारे आयोजनों में, चातुर्मासों में, पूरे भारतवर्ष में और खासकर मध्य भारत और उत्तर भारत में एक एक चातुर्मास कई कई करोड़ों के भव्य आयोजनों से हो रहा है। करोड़ों की राशि के कलश रखे जा रहे हैं। मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूं, जिनकी क्षमता नहीं है, क्या वो इस पुण्य में भागी नहीं बन सकते या अपने भावों से जुड़कर बन सकते हैं? आज से मैं समझ गया। देखिए, बात जहां तक है पुराने समय की और आज के समय की, समय काल के अनुरूप परिवर्तन होता है। हर युग में अच्छाइयाँ रही हैं, हर युग में बुराइयाँ रही। हम लोग एक बात हमेशा जोड़ते हैं कि पहले इससे अच्छा था, पहले इससे अच्छा था, पहले इससे अच्छा था, आज हिसाब गलत हो गया। एक दिन मैं ऐसी ही बात कर रहा था तो एक युवक ने कहा, महाराज पहले खुलेआम द्रौपदी का चीरहरण होता था, आज तो नहीं होता। राज दरबार में पहले एक राजा रावण बनकर, रावण साधु बनकर के किसी को हर लेता था, आज तो नहीं होता। हम ये क्यों कहते हैं कि पहले की सब बातें अच्छी थी और आज की सब बातें खराब? मुझे उसकी बात तार्किक लगी और मैंने ये कहा कि देखो भाई, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर काल में रही हैं, लेकिन ये पाठ पढ़ाने की एक परिपाटी है कि हम जब भी कोई तस्वीर लोगों के बीच रखते हैं तो अपनी पुरानी तस्वीर को सामने रख कर करते हैं कि हम क्या थे और क्या हुए। ये बात सही है कि वर्तमान युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। 90 वर्ष पूर्व जो समाज की स्थिति थी तब में और अब में बड़ा अंतर है। समाज क्या पूरे देश में, और देश में क्या पूरे विश्व में। वो युग विज्ञान का युग था, आज टेक्नोलॉजी का युग है। उस युग में सुपर कंप्यूटर नहीं था, आज सुपर कंप्यूटर है। दुनिया बहुत आगे आ गई, पूरा विश्व एक छोटे से आपके गैजेट में समाहित हो गया। तो ये जो विस्तार है, इससे लोगों की सोच, प्रवृत्ति और व्यवहार में अंतर आता है। पुराने समय में ऐसे संसाधन नहीं थे, इसलिए लोगों के जीवन में सादगी थी। आज के युग में संसाधनों की इतनी अधिक बहुलता हो गई है कि सादगी कम हुई। ये बात सही है कि पुराने समय में साधु संतों का इतना सद्भाव नहीं था, आज वे सहज सुलभ हैं। फिर ऐसा क्यों? तो पुराने ज़माने में इतने सारे टीवी और इंटरनेट का मायाजाल नहीं था, आज वो भी तो हो गया। मैं मानता हूँ कि यत किंचित जो धर्म की आस्था आज सुरक्षित है,
वो इन साधु संतों के और धर्म प्रभावना के परिणाम स्वरूप। यदि ऐसा नहीं होता तो आज ये स्थिति समाज की पता नहीं कहाँ होती। इसलिए धर्म प्रभावना को हमें थोड़ा व्यापक स्तर से समझने की आवश्यकता और अपेक्षा है। रही बात निर्माण की, हर युग में निर्माण हुआ, पुराने युग में भी निर्माण हुआ, लोगों ने बहुत व्यय किया, लेकिन निर्माण के व्यय को मैं कभी गलत नहीं मानता। आज भी जो निर्माण हुआ और अतीत में भी जो निर्माण हुआ, वो व्यय कभी निरर्थक नहीं है। ये निर्माण समाज के कल्याण का निमित्त बना। हमने अनेक पुराणों में ऐसे प्रसंग पढ़े हैं जहाँ राजा महाराजाओं ने लोगों को रोजगार देने के लिए मंदिर बनवाया। आज सरकार मनरेगा चला रही है। अरे कुछ नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है तो चलो मंदिर बनाओ। आज इतने बड़े बड़े निर्माण हो रहे, वो राष्ट्रकर्म है, उसे कभी नकारात्मक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आज कोई मंदिर बनता है तो उस मंदिर को बनाने में जितने श्रमिक लगते हैं, कारीगर लगते हैं और लोग लगते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है उससे, अगर देखा जाए तो। मैं तो अर्थशास्त्री दृष्टि से कहूँगा वो देश की आर्थिक उन्नति का एक आधार है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए उसमें उनका एक निवेश है। आजकल एक फैशन सा चल पड़ा है, सुधीर जी बुरा नहीं मानिएगा, हो सकता आप भी उसमें शामिल हो, या शायद ऐसे फैशनबाजों के लिए आपने अपना प्रश्न किया होगा क्योंकि मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया, लेकिन एक फैशन सा बन गया। अरे मंदिर में पैसा खर्च हो रहा, पैसा खर्च हो रहा, सारा पैसा मंदिर में लग रहा है, पत्थरों में लग रहा है। अरे कोई गड्ढा में पैसा डाल रहे हैं क्या? पैसा अंततः तो जा रहा है समाज के सर्वहारा वर्ग के लिए, और एक मंदिर बनता है हजारों साल तक के लिए हमारी संस्कृति के इतिहास का दस्तावेज बनता है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का बोध हमें इन्हीं मंदिरों से होता है। आज जो हमारा इतिहास और दिगंबरत्व का गौरव है वो इन्हीं मंदिरों, इन्हीं मूर्तियों के कारण है। हो सकता उस युग में भी आलोचना हुई होगी, इतना रुपया मंदिर में क्यों, लेकिन हमारे श्रीमंतों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनियों ने उनकी आलोचना को नज़रअंदाज करके जिन शासन की उन्नति को ध्यान में रखा होगा, वो विरासत आज हमारे पास है। और यही आज के हमारे आचार्य कर रहे हैं, जिसको जो बोलना है सो बोलने दो, हमें समाज में जो अच्छा करना है कर दो, कुछ ऐसा बीजारोपण कर दो जो आने वाले कई शताब्दियों के बाद जिन शासन के गौरव का अमर दस्तावेज बन सके, ये प्रयास है। वो उस दृष्टि से किया जाता है, इसलिए मैं इसे कसई गलत नहीं मानता, इसे एक आवश्यकता मानता हूँ, हर युग में होना चाहिए। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं बढ़ती है, पीढ़ियाँ सुरक्षित होती है। से चामुंद राय ने गोमटेश बाहुबली को 1000 वर्ष पूर्व बनाया, खजाना खोल दिया। पता नहीं चामुंड राय ने और क्या क्या बनाया होगा, उसका कोई पता नहीं है, उसकी हवेली का भी पता नहीं, उसके वंशजों का भी पता नहीं, पर बाहुबली अभी भी खड़े हैं और हजारों वर्षों तक खड़े रहेंगे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो द्रव्य परमार्थ के कार्य में लगता है वो अमर बन जाता है। हम लौकिक कार्यों में भी द्रव्य खर्च करें उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ, समर्थन नहीं प्रेरणा भी देता हूँ, लेकिन ये अल्पकालिक व्यवस्था है, हमें दीर्घकालिक सोच लेकर चलना चाहिए। अब रहा सवाल आपके चातुर्मास को लेकर। चातुर्मासों में कलश रखे जाते हैं। अरे तो कलश जो रख रहा है वो दान दे रहा है, कोई पानी में पैसा थोड़ी बहा रहा है। दानी का तो सम्मान होना चाहिए, और प्रायः चातुर्मासों में कलश आदि के निमित्त से जो दान आता है
उसके बाद बची हुई राशि समाज के कल्याण में ही लगती है। देंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। पिछले वर्ष 52 गजा में 5 करोड़ रुपया बचा है और सब जगह बचते हैं। आज वो क्षेत्र का विकास हो गया, क्षेत्र के काम में आ गया। अगर ये कलश नहीं रखे जाते तो कहां से होता। ये तो एक सद्भावना है, ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों की श्रद्धा भक्ति बढ़ी है और ऐसे कार्यों में होड़ लगती है। एक जमाना था कि एक कलश रखने वाला नहीं मिलता था, अब तो लाइन लगती है। और इस बार भी इस कोविड के संकट के काल में भी पूरे देश में अच्छे से कलश रखे। हाँ, लोगों को एक खर्च दिखता है, इस पर भी थोड़ा देखो। अरे साधु संत आए, धर्म प्रभाव ना के निमित्त छोटा मोटा पंडाल बन जाए, उनके लिए माइक का सिस्टम लग जाए, ये खर्च कौन सा खर्चा है। अगर इन सब को तुम खर्च के रूप में देखोगे तो फिर धर्म की प्रभावना करोगे कैसे। फिर तो तुम यहाँ घर से यहाँ आए हो सो पेट्रोल खर्चा करके आए हो, वो भी खर्चा काय करो, घर में ही रहो, आने की जरूरत क्या है। समाज की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो होगी। कितने का जीवन बदलता है वो क्या है, उस खर्च के आगे नगण्य है। अभी खर्च की बात करो आप, ये चैनल चलते इसमें भी खर्चा लगता है। हर महीना दातार लोग अपना पैसा लगाते हैं तब आपके घर तक चलता है। अरे ये खर्च काय कर रहे हो, अब बोलो ऐसे लोगों को क्या बोलूं। और ये कौन बोलता मालूम, जिसने 2 पैसा देने का पुण्य नहीं पाया, जो पुण्यहीन लोग हैं, किसी को देते नहीं केवल मुंह चलाते हैं। जो देने वाला होता है वो तो गदगद भाव से देके स्वयं को कृतार्थ महसूस करता है, अवसर ढूंढता है कि कब ये मौका है और दूं। अगर वो पैसा ना दे तो ये बात आप लोगों तक कैसे पहुंचेगी। कितने लोगों का जीवन बदलता है, थोड़ा सकारात्मक होना चाहिए। ये धंधा बंद करना चाहिए लोगों को, कुछ हो व्हाट्सएप चलाए। आपको ये देखना चाहिए, मैं पिछले ही साल की बात कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आपने मेरे लिए नहीं बोला है और आपने जिनके लिए बोला मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ, आप माध्यम हो। लेकिन पिछले साल इसी चातुर्मास में बाढ़ पीड़ितों के लिए लगभग 3 करोड़ रुपया गया इस मंच से। किसी और ने दिया क्या। दयोदय महासंघ के लिए, गौशाला के लिए लगभग 3 करोड़ रुपया गया। 20,000 गोवंश को बांग्लादेश जाने से बचाया जा सका इसी मंच से। भाइयों, टिप्पणियां करना बड़ा सरल है, यथार्थ को समझो। हम तो ऐसे लोगों की बातों को सुनते ही नहीं, और आप लोगों से भी कहते हैं ऐसे लोगों की वकालत करना बंद करो, सुनना भी बंद करो। समय बर्बाद करना है, उनको कुछ करना धरना नहीं है, केवल मुंह चलाना है। और आज भी बता रहा हूं, अभी पूरे देश में इस कोविड के संकट काल में सबसे ज्यादा अगर समाज को सहयोग देने के लिए आगे आए हैं तो साधु संतों से प्रेरित लोग ही आगे आए हैं। हजारों परिवारों में राशन भेजा है और अभी भी भेज रहे हैं, वो देने वाले दे रहे हैं और कई योजनाएं बन रही है। ये वे लोग जो इस पर प्रश्न उठाते हैं, वे बताएं कि उनका क्या योगदान है। वे सब नकारात्मक सोच से ग्रसित लोग हैं और समाज में नकारात्मक वातावरण बनाने का कुप्रयास करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के मनोबल को तोड़ना चाहिए, ये लोग गंदगी फैलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को हमको कभी साथ नहीं देना। अच्छी बात करो, अच्छा वातावरण बनाओ, तुम्हें और चीजों का खर्चा नहीं दिखता। शादी विवाह के लिए कोई नहीं बोलते, प्री मैरिज वेडिंग के बारे में कोई नहीं बोलते, महिला संगीत के बारे में कोई नहीं बोलते, और डेस्टिनेशन मैरिज होता है 5 स्टार होटलों में जाकर के, उसके लिए कोई नहीं बोलते। वहां तो टाई लगा के सबसे आगे आ जाते हैं साहब लोग, तुमको यही दिखता है जिससे समाज को एक रचनात्मक दिशा मिल रही है, जो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है, इसलिए संदेश लोगों के बीच जाना चाहिए।
और मैं ये जरूर कहूँगा कि इस वर्ष संकट का काल है, इसका सामना सबको करना चाहिए और समाज के हर वर्ग को इस दिशा में आगे आना चाहिए। इस वर्ष कोई आयोजन नहीं हो रहे हैं, कोई समारोह नहीं हो रहे हैं। मैं पूरे देश के समाज को संदेश देना चाहता हूँ, कटनी के लोगों को भी कहूँगा, इस बार तुम लोग एक अच्छी पहल करो, जो बचत है उसको समाज के कल्याण में भी लगाने का लक्ष्य रखो। ये जरूरी है और ये हो रहा और होता है, बिना कहे होता है। जैन समाज कभी पीछे नहीं रही है, इसलिए हमें व्यापकता से सोचना चाहिए। आलोचना करना बहुत सरल है, लेकिन जमीनी हकीकत को समझकर धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना बहुत कठिन।